अभी हम बनाएंगे बैगन मसाला। बैगन मसाला के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे दो लाल मिर्च। लाल मिर्च को सेक लेंगे और इसमें डालेंगे गरम मसाले, चकड़ी का फूल, इसको भी कुछ देर तक भूनेंगे और इसके ऊपर डालेंगे हम ये साबुत धनिया, इसको भी हम डालेंगे और इसको भी कुछ देर के गोल्डन होने तक पकाएंगे और इसके ऊपर डालेंगे ये साबुत जीरा। साबुत जीरा डाल के ये सबको मिक्स करके कुछ देर तक पकाएंगे। इस तरह से चलाते रहेंगे, नहीं मसाला हमारा जल जाएगा। गैस बंद करके मसाले को हमें जार में निकाल लेंगे। इस तरह से पूरे मसाले को जार में निकाल के इसको हम मिक्सर में पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पीसना है, एक दरदरा करना है खाली। फिर हम कढ़ाई में डालेंगे तेल, उसमें डालेंगे बैंगन। बैंगन को हमने ऐसा बीच से चीरा लगा के नमक डाल दिया था और 10 मिनट तक रख दिया था। फिर तो इसको धो लिया, इसमें जो पानी था उसको इस तरह से दबा के निकाल के कढ़ाई में डाल देंगे। बैंगन हमारा, बैंगन में पानी रहेगा तो पानी बाहर फेंकेगा, तेल बाहर फेंकेगा। इस तरह से इसको ढक के पकाएंगे और बैगन में ऊपर से डालेंगे नमक। नमक डालेंगे जिससे कि बैगन हमारा जल्दी पक जाएगा। और इसके ऊपर डालेंगे हल्दी पाउडर। नमक और हल्दी पाउडर डाल के इसको इस तरह से चला लेंगे। इसमें डालेंगे हींग, 5 ग्राम हींग डाल के पकाएंगे। इस तरह से चला के हींग भी पक रहा है हमारा और बैगन भी पक रहा है। और इस बैगन के ऊपर डालेंगे ये हमारा मसाला जो हमने मिक्सर में पीस लिया था। मसाला डाल देंगे और स्लो आंच पे मिक्स करके मसाले के साथ बैगन को पकाएंगे 5 मिनट तक। इसको ढक देंगे 2-3 मिनट के लिए। 3 मिनट बाद इसमें डालेंगे धनिया पत्ता कटी हुई। धनिया पत्ता को इस मसाले और बैगन के साथ मिक्स कर लेंगे। इस तरह से चला के धनिया पत्ता को बैगन और मसाले के साथ मिक्स करेंगे और फिर 2 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 मिनट बाद ढक्कन हटा के इसको चलाएंगे और ये पक चुका है हमारा बैगन मसाला। इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरह से एक प्लेट में बैगन मसाला को निकाल लेते हैं और साइड में डाल देंगे धनिया पत्ता, कटी हुई धनिया पत्ता। धनिया पत्ता हमने पहले भी डाला था और ये रेडी है हमारा बैगन मसाला।